हेलो गाइस, दिस इज दीपक एंड वॉचिंग नाउ बी परफेक्ट चैलेंज। तो गाइस, आपका काफ़ी मोस्ट वाला वेलकम है इस फार्मिंग सिम्युलेटर की सीरीज़ में। मुझे पता है दोस्तों, 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गए और तब से मैं अभी तक इस गेम को कंप्लीट नहीं कर पाया, क्योंकि यार एक्चुअल में टाइम नहीं मिल रहा था खेलने का। बट अब मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर वीडियो अपलोड करूँ और हम फार्मिंग सिम्युलेटर में हर एक चीज़ को अच्छे से जान जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको काउस को कैसे फीड करना है, उनकी टेक केयर कैसे करनी है, उनसे रिप्रोडक्शन कैसे करवाना है, हे ग्रास का यूज़ कैसे करना है, और स्ट्रो जो होते हैं उनका यूज़ कैसे करना है, और अच्छे से अपनी काउस का ख्याल कैसे रखना है। तो ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे जो वीट की फील्ड थी मेरी, वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसे जल्दी से हार्वेस्ट कर लेते हैं। इससे हमें स्ट्रो बनानी है, एंड जो बेलिंग टूल होता है उसका यूज़ करके हमें स्ट्रो बेल्स भी बनाने हैं। तो गाइस, जब तक हमारे वीट कट हो रहे हैं, तो आपको मैं थोड़ी सी एक बार चीज़ बता देना चाहता हूँ काउस के बारे में। तो बेसिकली इनका जो फूड होता है वो ग्रास और हे होती है, और जो इनसे हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मिल्क मिलता है और मैन्योर एंड सलरी मिलता है, जिसे हम एज अ फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारी क्रॉप जल्दी से ग्रो होती हैं। और इसके अलावा जो इनकी रिप्रोडक्शन की स्पीड है वो थोड़ी स्लो होती है, यानी कि थोड़ा मतलब इनकी जनसंख्या थोड़ी धीरे धीरे बढ़ती है एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल्स। तो गाइस, सबसे पहले हम ले लेते हैं वाटर टैंक, क्योंकि जब तक हम पानी नहीं देंगे तब तक तो यार कुछ बात बनेगी नहीं। पानी सबसे इम्पोर्टेंट है, तो वाटर टैंक हमने ख़रीद लिया। तो इसके बाद जस्ट हम बगल में करेंगे क्लिक, यहाँ से हम अपना एनिमल ट्रेलर भी ले लेते हैं, जिसमें हम अपनी काउस को पिक करके लेकर आएंगे। एंड इसकी जो कैपेसिटी है वो 6 काउस की है। फिलहाल अभी हम छोटा वाले ले लेते हैं, बाद में बड़ा वाला लेंगे। एंड इसके साथ साथ अब हमें एक मिल्क के लिए भी टैंक चाहिए होगा, जिसमें हम अपने मिल्क को कलेक्ट कर सकें। तो इसके अंदर वाटर भी आ सकता है, मिल्क भी आ सकता है, बट वाटर के लिए तो हमने ऑलरेडी टैंक ले लिया है, तो ये हम मिल्क के लिए भी ले लेते हैं अलग से। तो भाई, सबसे पहले हम अपने ट्रेलर को करते हैं अटैच एंड जाते हैं मार्केट काउस को लेने। थोड़ी बहुत काउस हम परचेज़ करेंगे स्टार्टिंग में, फिर तो वो खुद ही रिप्रोडक्शन करते जाएंगी एंड उनकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, जो लाइव स्टॉक है ना, आपको यहाँ की तरफ आना है, यहाँ पे आपको काउस आसानी से मिल जाएंगी। तो चलते हैं, जल्दी से हम टैग कर लेते हैं इस प्लेस को और यहाँ की तरफ चलते हैं। तो टैग हो गया हमारा प्लेस। तो गाइस, आपके लिए एक छोटा सा काम ये है कि लिव स्टॉक होता है या लाइव स्टॉक होता है, इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे ये आप मुझे कमेंट में बताना, और इसकी हिंदी में मीनिंग क्या होगी ये भी मुझे बताना। तो गाइस, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, अब हम जल्दी जल्दी से काउस को परचेज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे कई टाइप्स की काउस हैं, आपको जो उनसे पसंद है आप वाली काउस को परचेज़ कर सकते हो। तो जो जो सी काउ चाहिए आप सिंपली उस पर क्लिक करके उसे मूव करते रहो, एंड जैसे ही आपकी मतलब प्रॉपर स्टोरेज फुल हो जाए वैसे आप कन्फर्म पे कर दो क्लिक, एंड सारी काउस लोड हो जाएंगी। तो अब जल्दी से हम लोग चलते हैं अपनी काउस वाली जगह पे, जहाँ पे हमें अपनी इस काउ को रखना है। तो आप मैप में देख सकते हो ये जो ये वाली जगह है ना, हमारी मतलब बेसिकली हम लोग यहाँ पे अपनी काउस को रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्लेस टैग कर दिया है, जल्दी से चलते से फॉलो करते हुए। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं, जल्दी जल्दी से हमें बस इस काउस वाले आइकन पर आना है, एंड यहाँ पर हमारे पास अनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो जल्दी जल्दी से सभी काउस को सिलेक्ट करके मूव कर दो और फिर कन्फर्म पर कर दो क्लिक, आप सारी की सारी काउस आपकी आ जाएंगी। और आप देख सकते हो ये जो फील्ड है इसके अंदर हमारी काउस आ चुकी हैं। तो अभी तो दोस्तों हमारे पास सिर्फ 6 काउस हैं, धीरे धीरे बढ़ जाएंगी अपने आप, मतलब अपना अपने बढ़ेंगे। हमें इन्हें खाना वगैरह देना पड़ेगा, एक कंडीशन पूरी फुलफ़िल करनी पड़ेगी, तब जाके रिप्रोडक्शन करेंगे। तो गाइस, एक बार हम अपने एनिमल्स का स्टेटस देख लेते हैं। तो देखिए, हमारे पास 3 टाइप की काउस हैं, एंड किसी को भी आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर उनके डिटेल्स देख लोगे। तो अभी देखिए, सब कुछ 0-0 पड़ा हुआ है। कंडीशंस में देखिए, वाटर स्ट्रो, ये कंडीशंस का मतलब ये है कि जो सलरी और जो मैन्योर आपका बनता है ना, वो इन्हीं के थ्रू बनता है। देखिए, अभी सब कुछ 0 है, मैन्योर सलरी भी, और फूड्स जब आप इनकी फुलफिल कर दोगे तो उससे रिप्रोडक्शन करने लगेंगी। और अभी आप देख सकते हो प्रोडक्टिविटी और रिप्रोडक्शन रेट वगैरह भी सब कुछ 0 है, क्योंकि ना तो अभी इनके पास फूड है ना ही कुछ स्ट्रो वगैरह है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने अपना वाटर टैंक अटैच कर लिया है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग लेने जा रहे हैं वाटर, और बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, मज़ा आ रहा है। चलो पानी लेने, पानी भरो, ये सुबह ही हो रही है कि शाम हो रही है अभी तो यार मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि पानी लेने जाना है। तो ये जो पानी की जो टंकी है, कई कई जगह पर हैं इस गेम के अंदर। तो फिलहाल तो अभी मैं ये जो हमारा लिव स्टॉक है इसके पास वाली टंकी पर आया हूँ, यहाँ पर आप आइकन देख सकते हैं वाटर का। तो यहाँ से मैं जल्दी से अपना टैंक फिल कर लेता हूँ। तो टैंक हो चुका है फिल, और मैं फाइनली अपनी काउस के पास पहुंच चुका हूं, और यहां पर आप ये वाटर वाला आइकन देख सकते हैं। यहीं पर जस्ट अपने आपको अपने टैंक को लेकर आना है और ऑटोमेटिक वाटर अनलोड हो जाएगा। तो गाइस देखिए, यहां पे वाटर बिल्कुल भर चुका है।
तो हम लोग चलते हैं आगे। काउच के लिए वाटर का तो जुगाड़ हो गया, कैपेसिटी बिल्कुल फुल हो गई वाटर की। तो एक बार हम लोग फिर से स्टेटस देख लेते हैं अपने एनिमल्स का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो वाटर की कंडीशन है वो बिल्कुल 100% फिल हो चुकी है, बट अभी भी हर एक चीज़ बिल्कुल 0-0 शो कर रही है, क्योंकि सिर्फ वाटर से काम नहीं बनने वाला है। तो अब मैं स्ट्रो का जुगाड़ करता हूँ सबसे पहले। तो अब हमें परचेज़ करना लोडिंग वेगन, जिससे हम अपने स्ट्रो को कलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे जो वीट वाली फील्ड थी वो अच्छे से, मतलब हार्वेस्टर ने उसे बिल्कुल अच्छे से हार्वेस्ट कर दिया है। अब सिंपली मैं अपनी लोडिंग वेगन को लेकर आऊँगा एंड इस स्ट्रो को कलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे हम अपनी लोडिंग वेगन को लेकर आ गए हैं, जल्दी जल्दी से हम लोग स्ट्रो को कर लेते हैं कलेक्ट। तो फिलहाल अभी इतनी स्ट्रो काफ़ी है, इतने से हमारा काम बन जाएगा। तो हमें आना है इस वाला आइकन पे। यार यहाँ पे नहीं लेगा, यहाँ पे ग्रास लेता है, ये ग्रास लेता है यहाँ पे, या तो ही लेता है। तो हमें आगे चलना पड़ेगा, ये दोनों आइकन बिल्कुल सेम है ना, इसलिए पता नहीं चलता। हाँ तो स्ट्रो देखो हमारी यहाँ से ले लेगा। तो आप देख सकते हो जो फील्ड है जहाँ पे काउज हैं वो ऑटोमेटिक स्ट्रो वहाँ पर आ गई है, आप देख सकते हो। और कैपेसिटी भी फुल हो गई, क्योंकि अभी काफ़ी कम काउज है हमारे पास, इसीलिए ऐसा हुआ। तो फिर से एक बार हम स्टेटस देखते हैं अपने एनिमल्स का। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन तो बिल्कुल भाई फिल हो चुकी है, और आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे स्लर्जी और मैनुअल भी बनना स्टार्ट हो गया है, यानी कि अब हमारी खाद बनते रहेगी। अब हमें फर्टिलाइज़र की और ख़रीदने की कहीं से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा इससे ही काम बन जाएगा। तो गाइस यहाँ पे अब मैं इस बेलिंग टूल का यूज़ करके थोड़ी सी स्ट्रो बेल्स भी बना लेता हूँ, और इन्हें भी हम काउस के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे हम लोडिंग वेगन का यूज़ करके स्ट्रो बना लें या हम ये बेल्स बना लें, ठीक है, दोनों यूज़ हो जाती हैं। तो गाइस हमें ग्रास के ऊपर भी वर्किंग करनी है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने एक मावर परचेज़ कर लिया और एक वाइंड रोवर परचेज़ कर लिया। तो बेसिकली मावर का यूज़ हम ग्रास को कट करने में करेंगे, और जो वाइंड रोवर्स है इससे जो हम ग्रास कट करते हैं ना एंड जब उसे सुखा देते हैं, तो उसको एक लाइन में करने के लिए हमें विंड रोवर्स की ज़रूरत पड़ती है, ताकि हम उसे लोडिंग वेगन या बेलिंग टूल के थ्रू अच्छे से पिक कर सकें। और यहाँ पे हमें एक टेडर भी परचेज करना है, जिससे हम अपनी ग्रास को ड्राई कर सकें। तो यहाँ पे टेडर ख़रीदना भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारी ग्रास ड्राई नहीं होगी, जब तक हम अपनी घास को सुखाएंगे नहीं, तब तक वो हे के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी, यानी कि हमें हे बनाने के लिए ग्रास को ड्राई करना ज़रूरी है। और नॉर्मल जो हमारी ग्रास होती है उसमें हमें ड्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गाइस यहाँ पे मैं याला कल्टीवेटर ख़रीद रहा हूँ, जिसको मतलब जैसे ही मैं कल्टीवेट करूँगा अपनी फील्ड को, ऑटोमेटिक वहाँ पे ग्रास अपना मतलब प्लांट भी हो जाएगी, तो ऐसे में मुझे अलग से सीडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस हमने बिल्डिंग टूल का यूज़ करके स्ट्रो बेल्स बनाई थी, तो अब हम इन्हें पिक कर लेते हैं एंड इन्हें भी काउस के पास लेके चलते हैं। तो वैसे हमने ऑलरेडी स्ट्रो डाल रखी है, तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट हम फिर भी डाल देते हैं। तो ये जो बेलिंग टूल है ना, सॉरी मेरा मतलब जो स्ट्रो बेल्स है ना, इनको मतलब अनलोड करने के लिए देखिए यहाँ पर अलग सा आइकन दे रखा है, तो आपको यहाँ पर आके इन्हें अनलोड करना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर आओगे ये ऑटोमेटिक अनलोड होने लगेगी और ऑटोमेटिक साइड में रह जाएगी। जब आपके पास स्ट्रो की कमी होगी तो ऑटोमेटिक इनका यूज़ होने लगेगा, ठीक है। तो आप लोडिंग वेगन का यूज़ करके डायरेक्ट स्ट्रो भी दे सकते हो, और ऐसे बेल्स बना के यहाँ पर भी आप अपने इस स्ट्रो बेल्स को रख सकते हो, ठीक है। तो गाइस हमारी सलरी और जो मैन्योर होता है वो तो बनने लगा है, तो इसके लिए हम लोग पहले एक सलरी टैंक खरीद लेते हैं और एक मैन्योर वाला हम ट्रेलर खरीद लेते हैं। इससे होगा ये कि जो हमारा फर्टिलाइज़र है यानी कि जो हमारी खाद है वो इकट्ठी होती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने दोनों परचेज़ कर लिए, तो इन्हें भी हम लोग इनकी जगह पे रख देते हैं। तो गाइस ये है हमारा ट्रेलर मैन्योर वाला, इसमें हमारी मैन्योर कलेक्ट होगी, तो हम इसे इसी जगह पर रख देते हैं। तो आप देख सकते हो मैन्योर कलेक्ट होना भी स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे हमारा सलरी टैंक है, इसको भी हम इस पे रख देते हैं, इसके अंदर भी मतलब जो फर्टिलाइज़र है वो भी कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे बेनिफिट ये होता है कि अब हम इन्हीं चीज़ का यूज़ करके, यानी कि मैन्योर और सलरी का यूज़ करके अपनी फील्ड को अच्छे से फर्टिलाइज़ करेंगे, और हमें अलग से फर्टिलाइज़र भी खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी, और ये ऑटोमेटिक अपना फिल होते रहेंगे। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ हर एक चीज़। ये हमारा सलरी टैंक को रखने की जगह, और ये मैन्योर वाले ट्रेलर को रखने की जगह ये है, और यहाँ पे हमने ये अपना एनिमल ट्रांसपोर्टेशन वाला ट्रेलर लाया था, तो इसकी भी जगह अपनी जगह पे सही है। और यहाँ पर आके हम लोग जो ग्रास होती है ही होती है उसको यहाँ पे हम आके अनलोड कर सकते हैं। और ये इस काउस को देखना है कितनी प्यारी लग रही है यार, याली का आराम से बेचारी सो रही है। और जस्ट यहाँ पे तो आपको पता ही है, यहाँ पे हम अपने स्ट्रो जो लोडिंग वेगन के अंदर होती है उसको यहाँ पे लाके हम अनलोड कर सकते हैं। वैसे तो गाइस इस गेम के अंदर जो ग्रास होती है वो हर जगह होती है, बट मैंने अलग से फील्ड पे भी ग्रास को उगाया है। तो अब हम लोग ग्रास को ही कट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ग्रास कट करने के लिए मैंने अलग से ये व्हीकल परचेज़ कर लिया था, तो इससे मैं जल्दी जल्दी से ग्रास को कट करता हूँ। बट इसके अंदर एक चीज़ की कमी है, वो ये कि
इससे हर एक चीज़ मतलब परफेक्टली होती है, बट जो ग्रास होती है ना वो ड्राई नहीं होती इसमें, यानी कि इससे मैं जितनी भी ग्रास कट करूँगा उसकी सिर्फ और सिर्फ ग्रास ही बनेगी, हे नहीं बन पाएगी, क्योंकि हे बनाने के लिए मुझे ग्रास को करना पड़ता है ड्राई। तो फिलहाल तो अभी मैं ग्रास ही बना रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी से इसे कट करता हूँ और बेलिंग टूल से कलेक्ट करके जल्दी से देकर आता हूँ अपनी काउस को। ग्रास बेचारी भूखी है धीरे धीरे से। तो गाइस यहाँ पे आप हम लोग बेलिंग टूल का यूज़ करके जल्दी से ग्रास को कलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस ग्रास भी हमने कर लिया कलेक्ट एंड इसको जल्दी से अनलोड कर कर आते हैं। तो ये रही हमारी ग्रास और ये रहा हमारा ग्रास वाला आइकन, तो जस्ट यहीं पर आना, ये ऑटोमेटिक अनलोड होने लगेगा। और देखिए ग्रास हमारी हो चुकी है अनलोड और यहाँ पे अपना अब ग्रास फिल हो जाएगी और भाई फिर हमारा फाइनली अब रिप्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है। तो वैसे स्टार्टिंग में तो हमारे पास काउस काफ़ी कम है ना, तो काफ़ी टाइम लगेगा रिप्रोडक्शन में, तो इसलिए स्टार्ट में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कम से कम कुछ नहीं तो 20 काउस तो आपको खुद खरीद के रखनी है, फिर इसके बाद टाइम काफ़ी कम लगेगा इनका रिप्रोडक्शन होने में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ग्रास भी बिल्कुल अच्छे से फिल हो चुकी है और स्ट्रोथ हमारी खैर अच्छे से फिल हो ही गई है। तो गाइस ये काउस कितनी प्यारी लग रही है। तो गाइस देखिए ग्रास डालने से हमारा यहाँ पे प्रोडक्टिविटी का टाइम आ गया 50%, यानी कि अभी मतलब हमें हे को भी फिल करना पड़ेगा जिससे ये थोड़ा और कम होगा, ठीक है, 100% फिर ये वर्क करेगा। और यहाँ पे रिप्रोडक्शन रेट आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है और नेक्स्ट एनिमल इन 2307 आवर्स। दोस्तों गेम टाइम की बात हो रही है, ठीक है, तो फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा है गेम टाइम के हिसाब से भी, तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा कि आपको स्टार्टिंग में काउस खुद ला के रखनी पड़ेगी जिनसे इनका मतलब रिप्रोडक्शन का टाइम काफ़ी कम हो जाए। एंड एक टाइम ऐसा आएगा ना कि ये हर मिनट में पैदा होती रहेंगी, फिर ऐसे में आपको इनको बेचना भारी पड़ जाएगा, आपको फिर बार बार इन्हें बेचना पड़ेगा, तो ये कॉम्बिनेशन आपको खुद बिठाना पड़ता है, ठीक है। गाइस यहाँ पे मेरे पास ये मिल्क वाला टैंक है, तो इसको मैं पहले इसकी जगह पे रख देता हूँ, इसमें जो भी मिल्क बना है वो कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप स्टेटस अब देख सकते हो, यहाँ पे मिल्क भी हमें शो कर रहा है, तो अभी मिल्क बिल्कुल ज़ीरो हो गया क्योंकि जितना भी था जो भी था वो सब टैंक के अंदर आ गया। तो गाइस यहाँ पे मैंने मोवर को अटैच कर लिया अपने ट्रैक्टर में, ये वाला मोवर आप आसानी से खरीद सकते हो और इससे सिंपली हमें ये ग्रास कट कर लेता हूँ। एक्चुअली मैं इस बारे मोवर का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अब हमें जो ग्रास चाहिए ना उसे ड्राई हमें करना है एंड फिर उससे हमें ही बनानी है, तो इसी वजह से मैं इस वाले मोवर से कट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये है हमारा टेडर, हम इसे अटैच कर लेते हैं एंड इससे हम ग्रास को जल्दी से ड्राई करते हैं। तो गाइस अब मैंने यहाँ पे जो विंड रोवर होता है उसे अटैच कर लिया ट्रैक्टर में एंड ये जो हमने ग्रास कट करी है इसे एक लाइन में कर देते हैं ताकि हमें लोडिंग वेगन के थ्रू या बेलिंग टूल के थ्रू इसको उठाने में आसानी हो। तो गाइस ये है हमारा लोडिंग वेगन, इसे हम जल्दी से इस ग्रास को उठा लेते हैं एंड जल्दी से जल्दी अपनी काउस के पास यार उन्हें कुछ खिलाएं। वेल फ्रेंड्स हमें इसी वाले आइकन पर वापस से आ जाना है एंड यहाँ पर हमने अपनी ऑलरेडी ग्रास रख दी है, तो यहीं पर ही अपना ऑटोमेटिक अनलोड हो जाएगा। एंड अब आपको मैं स्टेटस दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए हमारी हेवी आ चुकी है, तो मैंने काफ़ी कम ही लेकर आया था बस जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो ऐसे धीरे धीरे करके आपको हे और ग्रास को बिल्कुल फुल कर देना है एंड फिर तो देखो फिर जो होगा काफ़ी कमाल का होगा। तो गाइस यही थी वीडियो, आई होप आपको पसंद आएगी। एंड फिर इसके अलावा कई लोगों का सवाल होता है कि और हमें करना क्या है, तो सिंपली भाई अपनी बस काउस की जनसंख्या बढ़ाते रहो, उन्हें बेचते रहो, इससे आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा एंड जो इनसे मिल्क प्रोड्यूस होता है उन्हें भी आप बेचते रहो। और जो प्राइजेस वाला सेक्शन होता है वहाँ पे जाके हमेशा चेक करा करो कि मिल्क के सबसे ज़्यादा प्राइस कहाँ पे मिले एंड उसे वहीं पर ही बेच कर आया करो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।